नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। ये इस बार हमने ENT डिपार्टमेंट ने थर्ड हेड एंड नेक वर्कशॉप आयोजित की है। इसमें कुल मिलाकर देश विदेश से 300 डेलीगेट आए हुए हैं। इस हेड एंड नेक वर्कशॉप में टाटा हॉस्पिटल के कुछ प्रतिष्ठित डॉक्टर, डॉक्टर सुल्तान प्रधान, डॉक्टर प्रथमेश पई, इसके अलावा राजकोट सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर जतिन मोदी, वो भी एक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, और नागपुर से डॉक्टर मदन कापरे, वो भी अपनी शल्यक्रिया को दिखाने वाले हैं। इन शल्यक्रियाओं के आयोजन से हमारे जो जूनियर डॉक्टर हैं, जो हमारे डेलीगेट से जो उभरते हुए डॉक्टर्स हैं, उनको काफ़ी कुछ सीखने मिलता है और प्राइवेट प्रैक्टिस में उनके लिए ये काफ़ी फायदेमंद रहता है। ये वर्कशॉप तीसरी है हमारे ENT डिपार्टमेंट के द्वारा और इस हॉस्पिटल में ये पहली बार हमने आयोजित की है। और इस आयोजन में हमारे मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर आंगरे और उनकी पूरी टीम का काफ़ी सहयोग रहा है। उसके बिना तो ये संभव होना ही नहीं था, तो उसके लिए भी मैं उनका काफ़ी धन्यवाद करता हूँ। और हमारे सीनियर डॉक्टर प्रकाश धोन, जो अभी रिटायर हो चुके हैं, बट उनका भी इस मामले में हर चीज़ में काफ़ी सहयोग रहा है। उनके बिना भी ये संभव नहीं था। सर बोला धोन सर, रिटायरमेंट के बाद भी आप इस तरह का सेवा दे रहे हैं, डॉक्टर्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, डॉक्टर पेशा ही ऐसा है कि सेवा भावी के लिए है, तो सेवा भाव सबके मन में रहता है, इसे तो पेशेंट को देखने को भी जाते हैं, तो अगर उसके लिए अवसर मिलता है तो जाने को किसी भी डॉक्टर को अच्छा लगता है। और वही हम लोग कर रहे हैं और लगातार ये जो वर्कशॉप्स हो रहे हैं यहाँ, उसके कारण लोगों को भी मालूम पड़ेगा कि ये अस्पताल में ऐसी सब शस्त्रक्रिया कर सकते हैं। आज बम्बई में बहुत से गरीब लोग हैं, उनके पास पैसा नहीं है, बट ये इधर हो सकेगा ये उनको मालूम नहीं है, इसलिए वो कैसे भी पैसा खड़ा करके प्राइवेट में बड़े बड़े अस्पताल में जाने का कोशिश करते हैं। जब उनको मालूम पड़ेगा कि ऐसी शस्त्रक्रिया यहाँ हो सकती है, तो नेचुरली उसका फ़ायदा उनको भी होगा और वो यहाँ फ़ायदा ले लेंगे। अपना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इतना सब कर रहा है, पर लोगों तक पहुँचना चाहिए कि इधर ये हो सकता है, तो ये लोग आएंगे ना। कि ऐसा जब वर्कशॉप हो जाता है तो यहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी बड़े अस्पताल में क्या क्या चाहिए वो मालूम होता है और वो उसमें अपना प्रगति कर सकते हैं। पर मैं एक कहना चाहता हूँ कि आज के हमारे सब फैकल्टी, सब जो बाहर के आए हुए सर्जन से, उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया है कि उन्होंने बोला कि हम लोगों को लगा नहीं था कि इतना ये अस्पताल अच्छा रहेगा, ये अस्पताल किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल से भी अच्छा है, ये उन्होंने खुद बोला है, चारों हमारे जो फैकल्टी आए थे। तो ये हमारे लिए एक गर्व की भावना है कि हम उनको ये फैसिलिटीज़ दे सके। केवल यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आंगरे सर और उनके टीम के कारण, डॉक्टर्स सब जगह रहते हैं, पर ये जो टीम काम करती है उसका एप्रिसिएशन डॉक्टर्स बाहर के आके करते तो डेफिनेटली अच्छा लगता है। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय आणि आपल्याकडचं जो ENT डिपार्टमेंट आहे, आमचं आम्ही संयुक्तपणे एक थर्ड लाईव्ह सर्जिकल वर्कशॉप हेड अँड नेक सर्जरीज, हे आपण आपले जे डॉक्टर्स आहेत ENT मध्ये, जे स्पेशालिस्ट किंवा इतर जनरल सर्जन, ह्यांच्यासाठी हा लाईव्ह वर्कशॉप ठेवलेला आहे। ह्या वर्कशॉपमध्ये आपले मोठे 4 डॉक्टर्स इकडे आले, जे सरांनी आपली त्यांची नावं सांगली, डॉक्टर सुलतान प्रधान, डॉक्टर पै, डॉक्टर कापरे आणि डॉक्टर मोदी, हे जे वेल नोन ENT सर्जन आहेत, ऑन्कोलॉजी सर्जन आहेत, आणि ते जे ऑपरेशन ज्या प्रकारे करतात आणि त्याच्यामुळे आपले जे नवीन जे डॉक्टर्स आहेत त्यांना त्याच्यातून मिळणार शिकणार ते की कशाप्रकारे ते आपले सिनियर्स ऑपरेशन करतात, काय करायला पाहिजे आपण, आणि ह्या डॉक्टरना एक शिक्षण मिळतं आणि त्याच्यातून ते चांगले स्वतःसुद्धा सर्जन होतील आणि त्याचा उपयोग आपल्या समाजाला होणार आहे। या वर्कशॉप करण्याचं मागे एक कारण आहे की या वर्कशॉप निमित्ताने आमच्याकडे एक चांगला असा एक मोठा कार्यक्रम झाला की BDB हॉस्पिटलमध्ये झालेला नव्हता,
तो चांगला कार्यक्रम ज्या निमित्ताने मोठे मोठे सर्जन आपल्याकडे आले त्याने आमचं हॉस्पिटल पाहिलं ॲप्रिशिएशन केलं आणि आमच्या रुग्णालयामध्ये काम करणारे जे कर्मचारी आहेत म्हणजे डॉक्टर्स म्हणा क्लास फोर म्हणा किंवा नर्सेस ह्यांनासुद्धा ह्याच्यातून बरंच शिकण्यासारखं आहे. कारण ज्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये ज्या प्रकारे सर्जरीज केल्या जातात कशा केल्या जातात त्यांचंसुद्धा त्यांना यांना माहिती मिळते. त्याच्यामुळे आम्हीसुद्धा लोकांना त्या प्रकारची सेवा देऊ ह्याच्यात आणि या पेशंटचासुद्धा ह्याच्यामध्ये फायदा आहे. मोठे मोठे सर्जन्स आले आपल्या इकडे त्याने आपल्या लोकांना इकडे सेवा दिली आणि आमच्याकडे जे आता कार्यरत जे डॉक्टर्स आहेत ENT चे ललित शेठ सर आहेत अर्जुन आमचे डॉक्टर राजेश आहेत संगपाल सर आहेत राखी मॅडम आहेत हे सुद्धा चांगले वेल नोन सर्जन आहेत. त्यांच्यासुद्धा मार्फत आम्ही लोकांना चांगल्या प्रकारे सुविधा द्यायचा प्रयत्न करू आणि अशाच प्रकारचे उपक्रम भविष्यातसुद्धा आम्ही घेऊ की जेणेकरून फायदा माझ्या डॉक्टरांना होईल माझ्या इथे कर्मचारी जे काम करतात त्यांना होईल आणि आपल्या इथे येणाऱ्या गोरगरीब रुग्णांना सुद्धा त्याचा फायदा होईल. फिल्म क्राईम राजनीती और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़.